वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज मैं टमाटर के बारे में कौन से अम्ल होते हैं इसकी जानकारी लेके आई हूँ, और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो बहुत लंबी नहीं होने वाली है, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। टमाटर में कई तरह के अम्ल पाए जाते हैं, जिनमें से ऑक्सालिक अम्ल मुख्य होता है। एक, ऑक्सालिक अम्ल। टमाटर में पाया जाने वाला मुख्य अम्ल ऑक्सालिक अम्ल होता है। यह एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है और इसे ऑक्सीरिक अम्ल या एथिनिडियोइक अम्ल भी कहा जाता है। यह एक प्रबल अम्ल है और ज्यादा मात्रा में सेवन करने पर हानिकारक हो सकता है। दो, साइट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल। टमाटर में साइट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल भी पाए जाते हैं। टमाटर में मौजूद कुल अम्ल में इन दोनों अम्लों का प्रतिशत ज्यादा होता है। और तीन, एस्कॉर्बिक अम्ल। टमाटर में एस्कॉर्बिक अम्ल भी पाया जाता है, जिसे आमतौर पर विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। टमाटर में ये सभी अम्ल स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं और ऊर्जा बढ़ाते हैं।